नमस्कार। आज का प्रश्न है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है कि राजस्थान के रेतीले इलाके जो हैं उनमें पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या होती है। पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है और इसी समस्या से बचने के लिए वहाँ जमीन के नीचे खड़िया की कठोर परत को तराश कर उसके ऊपर गहरी खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों में रिस रिस कर जल एकत्रित हो जाता है। इस पेयजल आपूर्ति के साधन को कुएं कहते हैं। इसका व्यास बहुत छोटा और गहराई 30 से 35 हाथ के लगभग होती है। कुओं की तुलना में इसका व्यास और गहराई बहुत ही कम होती है। राजस्थान में कुओं की गहराई 150-200 हाथ होती है और कुआं भूजल को पाने के लिए बनाया जाता है। उस पर उसका पानी भी खारा होता है और कुएं जो होती है इससे बिल्कुल अलग, कम गहरी और सक्रिय व्यास वाली होती है। इसका जल खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर गिरने वाला जल है और यही कारण है कि यहाँ पर पानी शुद्ध हो जाता है और उसमें जो खारापन है वह ख़त्म हो जाता है। यह जल मीठा, शुद्ध और रेगिस्तान के मूल निवासियों के द्वारा खोजा गया अमृत है। इसीलिए इस पाठ में राजस्थान की रजत बूंदें बताया है इस पानी को। तो आपको इसी तरह के कोई और प्रश्न चाहिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।